अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है ठीक होंगे, मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। हम निकले हैं जी स्पेन से, बहुत ज़्यादा गर्मी है, लास्ट व्लॉग में आपने देखा होगा। और अब हम जा रहे हैं बेल्जियम। यहाँ फ्रांस से हमने बाय सी आना था, और बाय सी आने के बाद स्ट्रेट हम बेल्जियम जाएंगे। हमारा स्टे है बेल्जियम में, वहाँ हम 2 डेज़ स्टे करेंगे और 3rd डे हम फिर आगे नैदरलैंड्स की तरफ जाएंगे। तो चलें जी, चलते हैं और आपको दिखाते हैं हमने कहाँ स्टे किया और क्या रिव्यू रहा, कैसा एक्सपीरियंस रहा, सब आपके साथ शेयर करेंगे। बाय रोड जो है वो जर्नी हमारी बहुत अच्छी रही थी। लास्ट व्लॉग में मैंने आपको बताया, अमेजिंग था। बस यहाँ पर आते ही हॉटेस्ट डे था यहाँ का, तो गर्मियों का इतना हमें मतलब अंदाज़ा नहीं था। गर्मी तो लग रही है लेकिन शदीद किस्म की गर्मी, और ऊपर से सफ़र, तो इस टाइम तो सारे ही थके हुए हैं। लेट्स सी आगे चल के क्या होता है। हम चेक इन करेंगे होटल में, उसके बाद हम कुछ खाने के लिए चलेंगे बेल्जियम के टाउन में। ये देखिए, हमने यहाँ पर, ये बजट होटल है, यहाँ स्टे किया था हमने, तो कैसा रहा वीडियो के एंड में बताऊँगी आपको। ये देखें जी, ये इनका रिसेप्शन था, और रिसेप्शन पे हमने चेक इन करने के बाद जो है अपने रूम्स की फीस ली। और चलते हैं दिखाते हैं आपको रूम्स कैसे थे। शुक्र है ठंडी एसी वाली जगह ही है। जो पहले वहाँ होटल बुक करवाया था ना, वो अंदर सेंटर में 214 की थी। ओके, आमने सामने है दोनों रूम्स। एक ये है 7 6 9 6 2 8 7 6 9 6। पापा आ जा, अभी अंदर ले आओ। आई डोंट लाइक दिस वॉल्स, आई हेट दिस। ऊपर जगह तो है, अब इसको ऑन कैसे करूं? This is for hand wash. It's a strip shower. I don't like this one, but this is yours. You like your body. How are you doing with this? It's not bad. This budget is like this. I don't care. Inside the room, Mubin, he will take it inside. चले जी, हम निकले हैं बेल्जियम टाउन की तरफ, और साथ ही है टाउन सेंटर। तकरीबन 5 से 7 मिनट की ड्राइव पर था। हमने कहा कुछ खाते हैं हलाल, हमने कुछ सर्च किया था टाउन में, काफ़ी हलाल शॉप्स हमें नज़र आई हैं, देखते हैं। बहुत ज़्यादा थके हुए हैं। होटल हमें कुछ ख़ास पसंद नहीं आया है, और अब जो रहने का एक्सपीरियंस रहा वो भी मैं आपको लास्ट में शेयर कर दूँगी कि कैसा रहा। बाकी जो है टाउन सेंटर इनका अच्छा था। चले देखते हैं टाउन सेंटर। पार्किंग अगर देखें तो बेल्जियम के बिल्कुल टाउन सेंटर में पार्किंग थी, वो हमें बहुत आसानी से मिल गई थी। ठीक है, आपने भी अगर आना है यहाँ पर आप पार्क कर सकते हैं। इसके बाद बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे, मतलब पार्किंग से निकलो सारा टाउन है, और आराम से आप टाउन में खा पी सकते हैं, घूम फिर सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं। ये बेल्जियम का टाउन है, ये बेल्जियम का टाउन सेंटर है। चलें जी, आपको भी साथ साथ दिखाते हैं। गर्मी से हमारा बुरा हाल है, रात की हमारी नींद पूरी नहीं हुई थी, और बस अब हम निकले हैं कुछ खाना खाने के लिए कि कैसे खाना खाते हैं, पर दिमाग काम नहीं कर रहा, बिल्कुल सोया हुआ है। क्योंकि फूड भी नहीं खाई, नींद भी नहीं पूरी हुई, गर्मी भी शदीद है आज, 35 टेम्परेचर है। नजर तो कहीं आ रही है। हाँ, क्योंकि क्या आइसक्रीम में आ जाओ। ओके,
हम थक के बैठ गए हैं जी एक जगह पे। ये देखिए ये चाइनीज़ हलाल हमें मिली है शॉप, यहाँ से हमने फूड लिया है, हाफ बच्चों ने यहाँ से लिया है और हाफ ये शॉप है। ये देखिए ये भी हलाल है, पर उठने में भी हिम्मत नहीं है कि उठ के मैं इसको फ्रंट से बना ही लूँ, इतना हम थक चुके हैं। और चलें आपसे मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, हम खाते हैं खाना, थोड़ी एनर्जी पकड़ते हैं, तो आपसे मिलेंगे नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह। सुबह कल व्लॉग बनाती हूँ मैं, तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। आइसक्रीम का साइज़ बहुत ही कम है, ये 5 यूरो का एक टब आया है और साइज़ काफ़ी ज़्यादा कम है। Watch out, vehicle on shoulder ahead.